अरे वो हाथ गौरव ठीक है ना, गौरव ठीक है ना, गौरव ठीक है ना। तो आ चुके हैं हम वापस अपने कॉलेज भुवनेश्वर, और बहुत अजीब से जगह पर रहना पड़ रहा है क्योंकि मतलब जब हम लोग यहाँ से गए थे तो वो फ्लैट खाली कर चुके थे और यहाँ पे टेम्प्रोरी रह रहे हैं कहीं पे। हम लोग 5 लोग हैं, पांचों बिहार से ही हैं। सो ये है हमारा रूम। और अरे अंकित कहाँ गया यार, अंकित थकने गया है। अंकित, अंकित ब्रो, तो अंकित थकने गया है अभी। ये है शुभम जो अपना कॉलेज में एडमिशन कराना है बट डॉक्यूमेंट घर पे ही छोड़ के आया था। अरे यार ये कौन है, अरे शुभम ये कौन है भाई, अरे ये कौन है, अरे यार अरे साला ये क्या हो रहा है, ये भूत आ गया रूम में, अभिषेक भूत आ गया। तो हमें कुछ अभी ऐसे रहना पड़ रहा है रूम में बहुत ही एडजस्टमेंट के साथ, लगातार 5 बेड, उधर सबसे उधर सुबह में, फिर गौरव है, फिर ये मेरा बेड है, फिर अंकित, फिर अभिषेक। खाना बनाने का भी कुछ प्रॉपर प्लान नहीं है क्योंकि किचन तो बहुत ही ज्यादा साफ है, हमारा किचन कुछ ऐसा है। 2 या 3 दिन में हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे किसी और जगह, मतलब एक नए घर पे, देखते हैं कितना जल्दी हो सकता है वो। ये हमारे अंकित भाई साहब हैं, हमारे प्रिय मित्र। फेस वॉश करने है। क्या यार गौरव, फेस वॉश करने गया, फेस वॉश करने गया था अंकित, अंकित अंकित फेस वॉश करने गया था ना, अरे बोलो ना यार। हाँ नहीं तो फिर सब बोलेगा कि हकने गया था। नहीं नहीं कुछ नहीं बोलना। अरे तुम्हारा अंकित क्या, अरे अरे क्या हो रहा है, अरे 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 कुछ हो जाएगा, हटो हटो, क्या कर दिया अंकित, गलती से होता है वो, तुम चढ़ाओ उसके ऊपर, हमको दिखा गलती से क्या होता है। अरे वो हाथ गौरव ठीक है ना, गौरव ठीक है ना, गौरव ठीक है ना। अरे कल ही हम एक एपिसोड देख रहे थे, सुनियो का जानता है, जिसमें कि वो मुंह ढक के चल रहा था, वही वाला हो गया है, बाल उसका भी खराब था, इसका भी खराब है। अरे अंकित तुम्हारा कॉलर अभी तक नहीं सुधरा है, तुम तो अभी सारा चीज इधर उधर पड़ा हुआ है, सुबह उधर पड़ा हुआ है, गौरव इधर पड़ा हुआ है, अंकित इधर पड़ा हुआ है, क्या करें अंकित। तो अभी अब गौरव ने अपना फेस रिवील किया, इतना सही रहेगा। तो हम लोग अब अभी गौरव को मतलब ब्लॉग में नहीं लाएंगे क्योंकि ये अपना फेस रिवील नहीं करना चाह रहे क्योंकि बाल 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 थोड़ा खराब हो गया। अच्छा पहले के ब्लॉग में तो था ना गौरव, धीरे धीरे आ जाएगा, कैसे ले सकते ना गौरव। गौरव अच्छा ठीक है, सॉरी गौरव सॉरी। तो हमारे अंकित जो है कि BGMI के प्रो प्लेयर है, नाम अंकित बताओगे हमारे व्यूअर्स को, नाम बताओ तुम, ताकि तुम्हारे साथ खेलना चाहे कोई तो खेल सके, नाम बताओ ना अंकित। पोको। अरे अंकित पोको यूज करता है, तुम ब्लास्ट कर जाएगा, अभी मत बोलना कि तुम ही दिलाए। हम भी गए थे दिलवाने, नहीं हम अपने पैसा से क्या दिलवाएंगे, पैसा उसके पापा दिए थे, हम गए थे दिलवाने ना अंकित, ऐसे ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। अरे नाम नहीं दिखाएगा तुम, नाम अंकित का है कौन सा है, अरे सर ये यही है ना, अच्छा कोई बात नहीं। अरे ये भी है हमारे रूममेट, एक बड़े छुपे तक मुझे पाओगे, आना तो तुम्हें हमारे ब्लॉग में है ही, तुम्हारा टकला दिख। शुभम क्या यार, शुभम वैसे ही मार्वल का स्टिकर कहां से लिया, शुभम लग गया है भूख, खाना का देखते हैं, या तो खुद से ही बनाएंगे या तो बाहर से ला के खाना पड़ेगा आज, बट ट्राई करेंगे खुद से ही बनाए। खाने के लिए मतलब कुछ सब्जी भी नहीं लाए हैं, होगा तो मतलब सोयाबीन और चावल बना लेंगे, वही खाया जाएगा आज, खिचड़ी। खाना बनाने के लिए इस किचन में तो खाना नहीं बनेगा मेरे से, बहुत ज़्यादा गंदा है, जिसका भी ऊपर वाले फ्लोर का बंदे लोगों का, बट बहुत गंदा है, यहाँ पे तो नहीं बनाएंगे, देखते हैं कोई जगह ढूंढते हैं फिर वहाँ पे बनाएंगे।
हॉल में सही रहेगा, यहाँ पे किचन में बना लेते हैं, यहाँ पे मेरा इंडक्शन लग जाएगा, यहीं पे खाना बना लेते हैं, करते हैं सफाई फिर बनाएंगे खाना। बहुत ज़ोर से भूख लगा है, घर खाए हुए अभी तक नहीं खाए, कल घर में शाम को ही खाए थे, मतलब निकलने से पहले 12 बजे, उसके बाद अभी तक कुछ नहीं खाए क्योंकि बाहर का खाना तो हमने छोड़ा हुआ, इसलिए दिक्कत तो हो रहा है बट कुछ दिनों की। सो करते हैं अब हॉल की थोड़ी सी सफाई जहाँ पे खाना बनाना है, क्योंकि बिना सफाई के तो खाना बनेगा नहीं। तो इंडक्शन सब भी सारा कुछ पैक करके रखा हुआ है, सब कुछ निकालना पड़ेगा फिर से। और मेरे ख्याल से गणेश चतुर्थी वाले दिन हम लोगों को नया घर मिलने वाला है, बट कुछ पता नहीं है, अभी कंफर्म नहीं है कि उस दिन घर मिल ही जाएगा। एक दिक्कत है कि ये इसमें जा ही नहीं रहा है और हम बिना इसके खाना बना नहीं सकते हैं, और ये लगने के लिए किचन में एक जगह है बट किचन में हम खाना बनाएंगे नहीं क्योंकि किचन है बहुत ज्यादा गंदा, किसी और ने किचन यूज करके बहुत ज्यादा गंदा कर रखा है पहले से, सो हम उसमें तो खाना बनाएंगे नहीं। किचन का हाल कुछ ऐसा है, इसमें तो खाना मेरे से बनेगा नहीं, बहुत ज्यादा गंदा है, बदबू भी बहुत ज्यादा आ रहा है, सो हम जा रहे हैं बाहर, ट्राई करते। एक जगह तो मिला ही लगाने का बट वो वहां पे, तो वहां पे तो खाना बनेगा ही नहीं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। 3 तारीख से साहब बैक का है ना, मेरे को तो बैक लगा ही नहीं है, हमको जिसको बैक लगा है वो तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहा है। अब खाना बनाना कैंसिल, हम भी मंगवाएंगे मेस से ही खाना जहाँ से ये लोग खा रहे हैं, 2-3 दिन तो दिक्कत होने ही वाला है। इसके कारण ना हम जिम जा सकेंगे ना ही अपना डाइट फॉलो कर सकेंगे, तो देखते हैं, जो भी 2-3 दिन तो कष्ट करना ही पड़ेगा। खाना तो यहाँ नहीं बनेगा, ये किसका कुकर है इतना गंदा सा, बहुत गंदा, बहुत ज्यादा ही गंदा, बहुत। हेलो गाइस, ये हमारा ब्रेकफास्ट चल रहा है। तो अभी हम और शुभम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, और शुभम कुछ अपना डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा करना था जो हम लेके आए थे, तो वही जमा करने जा रहे हैं, तभी उसको कॉलेज में एंट्री मिलेगा मंडे से, नहीं तो अभी तक कॉलेज इंटर भी नहीं हुआ है शुभम। और यहाँ पे आसपास में कोई दुकान भी नहीं है जो मतलब खाने पीने के लिए, सो हम लोग जा रहे हैं कॉलेज के आसपास है, जहाँ पे हमारा आपका कॉलेज अप्रोक्स 3 किलोमीटर है यहाँ से ना, तो आज का कार्डियो ऐसे ही हो जाएगा, जो रिकॉर्ड है सब हो जाएगा ऐसे ही, तीन जाना तीन आना। 3 किलोमीटर जाना और 3 किलोमीटर आना, कितना टोटल दो, मेरे ख्याल से 1 घंटा लग ही जाएगा कॉलेज वाले की टेंशन है, फिर भी जो भी है ऐसा ही जिंदगी चलेगा कुछ दिन अभी। अभी कॉलेज गया है अपना डॉक्यूमेंट सब जमा करने, मैं वेट करूंगा उसके किसी अपने दोस्त के रूम पे, यहीं पे हॉस्टल में। तो शुभम सारा डॉक्यूमेंट जमा करके आ गया है, भी अभी अपने दोस्त के रूम पे गए थे वहीं से। क्या खा रहे हैं शुभम? चिकन मसाला पराठा। अरे पराठा अच्छा नहीं लगेगा, चावल ले लो। सो हमारा खाना आ गया है, मेरा पनीर और चावल, शुभम का है चिकन और चावल राक्षसा। अरे वो चिकन अच्छा उल्टा हो गया क्या? लावी पता चलता हम चिकन खा रहे हैं और तुम पनीर लगता है ब्रो, आने जाने में जो खाए सब पच जाएगा। घर ही रखना चाहिए, टाइम दिखा देता कि आने जाने में इतना टाइम लग गया। टाइम टाइम तो बहुत लग गया ब्रो, पसीना साला, धूप नहीं है, मिलेगा इसी में मिलेगा, धूप धूप नहीं है फिर भी इतना गर्मी लग रहा है ना, थोड़ा गुम्बज टाइप है। बहुत मजा अभी हम थोड़ा बाहर आए हैं वीडियो एडिट करने, क्योंकि रूम में थोड़ा सा हल्ला हो रहा है, मतलब ऊपर वाले लोग गाना सुन रहे हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा शांति है, तो यहीं पे बैठ के अपना पुराना वाला वीडियो में वॉइस ओवर करेंगे और थोड़ा करेंगे आराम, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। मैं जी नेक्स्ट वैली में रह रहा हूँ, मतलब उधर ही एक ये पूरा कॉलोनी टाइप से, यहाँ पे बहुत सारे घर हैं एक जैसे ही, इसी में रह रहे हैं अभी। देखते हैं कितने दिन में हमारे पृथ्वी भैया जो हम लोगों के मतलब हम लोगों को रूम दिलवाने वाले रूम दिलवाते हैं, वो तो बोले हैं 20 तारीख से पहले, मतलब 19 तारीख को गणेश चतुर्थी के दिन या उस दिन के एक दिन बाद 20 तारीख तक दे देंगे घर, बट कुछ भरोसा नहीं है क्योंकि वो पहले बोल रहे थे 15 तारीख को, अब बोल रहे हैं 20 तारीख को, कंफर्म नहीं है, कुछ देखते हैं, मिल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि रहने का नहीं है, अच्छे से खाना बना नहीं सकते हैं, सो फिर भी कुछ दिन के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा, देखते हैं क्या करते हैं कैसे करते हैं।
सो थैंक यू।